बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं। उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया, उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आप सरकारी नौकरी में आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो जब तक आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता तब तक नहीं माना जाता है। तो यह एक शैडो बनाया जा रहा है, फर्जी पेपर फिर दिया जा रहा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है, आज भी डायरेक्टर के डीआई डिन में उन्हीं का नाम है। और इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस रिट पिटीशन को शीघ्र संज्ञान में लिया जाए। बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं, और जिस प्रदेश में 3.5 लाख नागरिक जेल में बंद हुए हों, उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया, उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में, आबकारी चोरी में संलग्न है। और इसको लेकर के जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर, दूसरे तरफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर भी। यह जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर। आज भी हाई कोर्ट की किसी भी बात का पालन बिहार सरकार नहीं कर रही है, ना निर्वाचन आयोग। आज हम पहले चुनाव आयोग ही गए थे पर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम हाई कोर्ट में आज रिट डाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो अनर्गल कार्य करके जनता के, नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर किया जा रहा है जिस पर आप खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख लोगों को कानून बना के जेल भेजा हो, और तब उसके पार्टी के समर्थन से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो जो कि आबकारी घोटाले में संलिप्त हो, यह बहुत दुखद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हाईकोर्ट अवश्य इस पर संज्ञान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।